निजामबाद हाईवे है और यही रास्ता जाएगा आगे मनसेरा की तरफ।
यहाँ पे भी जो आपकी डेस्टिनेशन है उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, लाइक वेयर यू आर गोइंग टू ट्रैवल. हमारी दोनों साइड्स पे आपको छोटी छोटी ऐसे यू नो पहाड़ टाइप नजर आएंगे. एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल.
रास्ता आगे गिलगित को भी जाता है। थोड़े ग्रे एंड डार्क ब्लैकिश टोन में आ रहे हैं, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा मौसम बादलों वाला होगा, आई होप सो। काम करो ना आगे।
क्योंकि रास्ता तंग हो जाता है ना पार्किंग के एरिया में। हाँ, एक किलोमीटर से ज्यादा है, ये एक किलोमीटर से ज्यादा है। हाँ? देखो यार ये टनल बनाने में कितना टाइम लग गया होगा, साल लग गए होंगे हैं, साल लग गए होंगे बाबा। कितना सीन लग रहा है और टनल में भी जब हम जा रहे हैं ना लग रहा है कि एयरप्लेन उड़ रहा है। बनाए रखो बनाए रखो, अभी देखो खत्म हो जाएगा, अभी मेरे ख्याल में एक और भी आएगा। ये जल्दी खत्म हो गया, जल्दी नहीं खत्म होया, वो पीछे बैठा हुआ है ना उसे भी बने। क्या हसीन, वाह। सो डिड यू गाइस सी द टनल, इट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी गॉर्जियस टनल, और बहुत ही मजा आया उसको ट्रैवल करके। बहुत छोटा सा था बट इट वाज अ ब्यूटी। इस वाले बॉक्स में सैंडविच ये एक और आ गया, भूख लगी हुई टनल। So, अभी एक और टनल आ रहा है। Fasten your seat belts. मामा जब हम पहले लोग आप टनल उस वक्त नहीं था बना बेटा। Again, this is Pakistan-China friendship tunnel. And it is so beautiful. देखा लाइना? मुझे लगा ये तो बहुत छोटा 300 मीटर का था, वो बड़ा था इसलिए उस पे लाइटें नीचे लगाई ये थी। अभी हम सारा रास्ता जो है वो थोड़ा उतराई की तरफ होगा, जब हम आ रहे थे तो सारी चढ़ाइयाँ थी और अब ये सारी उतराइयाँ हैं आगे, स्लोप्स हैं। या बर्फ पड़ रही है या वो है बारिश है, बारिश पर ये दाने देखो ये पर बारिश वाले नहीं है। अच्छा ये अभी ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे वो जो बिल्कुल सॉफ्ट सी बारिश होती है विद स्नो, थोड़ा सा उस तरह का इफेक्ट आ रहा है बारिश में। इफ यू कुड सी द विंडशील्ड, पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है और
के लिए टर्न ले रहे हैं टुवर्ड्स आवर लेफ्ट. आगे आ गया टोल प्लाजा. सो हम मंसेरा के प्रेमिसेस में पहुंच गए हैं. इट सेज वेलकम टू मंसेरा. पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ ताकि हम कुछ खा सकें. The drive was very smooth or the roads were too good. अच्छा तो हम मनसेरा एंटर कर गए पर क्योंकि वहाँ रश बहुत था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, तो अब हमने अपना प्लान चेंज करके इरादा तर करके एबटाबाद जाने का मंसूबा फैसला किया है. और अभी हम एबटाबाद के रास्ते पे हैं जो कि इसी रूट पे रिटर्न होके जाएगा. बहुत प्यारा है पाकिस्तान माशाल्लाह. सर्दी की वजह से थोड़ा अभी ये ग्रीनरी नहीं है, अदरवाइज इन समर्स इन स्प्रिंग इट इज ऑल ग्रीन. ऊपर काम या कोई हाउसिंग स्कीम टाइप इस तरह जगह बना रहे वो बोर्ड आ गया. ओके सो दिस इज द एक्सप्रेस वे बोर्ड एबटाबाद इस्लामाबाद बटग्राम सब कुछ इस पे मेंशन है. दिस इज द सेम टोल प्लाजा वी क्रॉस्ड और अब हम रिटर्निंग में जा रहे हैं. सो एबटाबाद के लिए हमें इस्लामाबाद एबटाबाद लेफ्ट की साइड पे जाना है. लाइक दिस टर्न लेफ्ट कीप लेफ्ट एट द फोर्क इन 600 मीटर्स कंटिन्यू ऑन टू E35 एक्सप्रेसवे हजरा मोटरवे. वही वाला है जो ना मैं यहाँ पे कोई चाइनीज प्लांट लगा हुआ है और उस पे चाइनीज लिखी हुई है. आई डोंट नो कि किस चीज का प्लांट है. शुरू तो मुफ्त हुआ था पर सड़ वाला तो कुछ नहीं था. दिस इज कयाम उताम रेस्टिंग प्लेस रेस्ट एरिया जब हम मोटरवे से उतर के सिंगल रोड पे आ गए हैं एबटाबाद कलंदराबाद टू एबटाबाद और एक एक्सीडेंट हुआ है ये देखा. ये यहाँ पे छल्ली जो है ना तंदूर में बेक हो रही है भुन रही है कितने मजे की होगी. दिस इज मेन एबटाबाद बाजार और अभी हमने बर्न हॉल स्कूल एंड कॉलेज को क्रॉस किया है. सो गाइस दिस इज मेन एबटाबाद सिटी
डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. लाइक द वीडियो, शेयर इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.